स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नावाडीह में इंडिया महागठबंधन के मुख्य कार्यालय में प्रत्याशी बेबी देवी से मुलाकात कर चुनावी रणनीति तैयार की। इस अवसर पर नावाडीह प्रखंड के सुरही आहारडी पंचायत के तेतरिया टोला एवं पोटसो में जनसंपर्क कर वोट मांगा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जगन्नाथ बाबू को चिकित्सकों ने आराम को कहा था, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना कर जीवन के अंतिम समय तक डुमरी और राज्य की जनता की सेवा की। इसी सेवा कार्य के दौरान वे शहीद हो गए। उनकी शहादत को डुमरी की जनता भी नमन करती है, लेकिन आजसू और भाजपा के लोगों ने उनकी शहादत को अपमानित करते हुए अपना प्रत्याशी दे दिया। उन्हें चाहिए था कि जगन्नाथ बाबू के व्यक्तित्व और उनके कार्यों को देखते हुए उनकी धर्मपत्नी को निर्विरोध जिताकर विधानसभा भेजें, लेकिन सत्ता और कुर्सी की भूखी आजसू और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारकर जो गलती की है उसे डुमरी की जनता सबक सिखाएगी। ओवैसी पर पलटवार करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की बी टीम है। जब भाजपा हारने लगती है तो ओवैसी को उतारकर वोट काटना चाहती है, लेकिन डुमरी की जनता उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी और ओवैसी के प्रत्याशी का जमानत जब्त करा देगी। उन्होंने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि पतंग कट गया है, दूसरा लोग सोच रहे हैं कि डोरी से उलझा कर पतंग बच जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डुमरी की जनता से ओवैसी और आजसू के प्रत्याशी को हत्तड़ से काट दिया है। इस अवसर पर बोकारो की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश गुप्ता, जेएमएम जिलाध्यक्ष हीरा लाल मांझी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। पहले कहा जाता था कि भाजपा बनिया की पार्टी है, लेकिन भाजपा के लोगों ने सबसे ज्यादा व्यास समाज को ही लोगों ने दुखी किया। और ये लोग क्या मुंह लेके बात करेगा, हमारा हम पिछड़ों का 27% आरक्षण होता था पहले झारखंड में, लेकिन यही बाबूलाल मरांडी और यही सुरेश महतो ने मिलकर हमारा 27% आरक्षण खत्म करने का काम किया है। ये लोग जब आए तो इन लोगों को पहले जो है इन लोगों को पूछिए कि आपने क्यों हमारा आरक्षण खत्म किया है। आज आरक्षण खत्म किया जिसके चलते हमारे बाल बच्चों का नौकरी चाकरी पठन पोषण सब में कितना दिक्कत हो रहा है, ये लोग से पूछिए। आज खड़ियाली आंसू बहा रहा है, अरे इनको तो थोड़ा सा भी आंख में शर्म होता तो ये कहते कि नहीं, हम साहब जगन्नाथ महतो को 5 साल के लिए जनता ने चुना था और 3.5 साल तक उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ की जनता की सेवा की है और हम उसको निर्विरोध उसकी विधवा के खिलाफ हम नहीं खड़ा होंगे। तब तो हम कहते कि आपके आंख में थोड़ा बहुत भी लोक लाज बचा है, लेकिन आपके आंख में लोक लाज नहीं बचा है।